नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां हल्दी थाना क्षेत्र के पचरुखिया काली मंदिर के सामने गंगा घाट पर स्नान करते वक्त गहरे पानी में चले जाने के कारण 5 बच्चे हुए लापता, 2 के शव बरामद। वहीं 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली शानवी सोनकर ने कर दिया कमाल, 17 मिनट में यमुना नदी को तैरकर किया पार। अंत में बात होगी ललितपुर की, जहां लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर कस्बा मड़ावरा में पाल समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां आगर की सत्यनारायण गली में किराने की दुकान संचालित करने वाले 68 वर्षीय बुजुर्ग के साथ चोरी की घटना का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फरियादी ललित कुमार देसाई निवासी काजी गली आगर की सत्यनारायण गली में किराने की दुकान है। उनकी किराने की दुकान पर 2 लोग आए और उनसे पूजन सामग्री खरीदी। इसके बाद दोनों बदमाशों ने 1100 रुपये गौशाला में दान करने के लिए उनके काउंटर पर रखे और सोने चांदी की किसी वस्तु को पैसों पर रखकर उसे शुद्ध करने की बात कही। दुकानदार उन दोनों लोगों की बातों में आ गए और अपनी सोने की अंगूठी को पैसों पर रख दिया। तभी उन्होंने दुकानदार से फिर से सामान मांगा और जब दुकानदार सामान देने के लिए पलटे, इतने में बदमाश सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। मामले में दुकान संचालक ललित कुमार देसाई ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। आइए जानते हैं इस विषय में दुकानदार ललित कुमार देसाई का क्या कुछ कहना है। घटना ये थी, मैं दुकान पर बैठा था ना, दो जने आए, तो एक तो बाहर गाड़ी खड़ी थी बाहर, और वो एक जना आया और मेरे से बोल 2-4 लाल टागा कपूर लिया और उसने पैसे भी दे दिए, 25-30 रुपये का सामान लिया। ने फिर वो मेरे से बोला, यार गौशाला किधर है यार? तो मैं बोला गौशाला तो भैया थोड़ी आगे है, वहाँ चल जाओ यार, मेरे को वो दान देना है यार, 1100 रुपये की दान देना है, उनको दे देना यार तुम्हें। तो वो बोला कि तुम की दे देना अंकल ने, पास में उसने 1100 रख दिए। मैंने कहा मेरे को इसको पैसों को यार शुद्ध करने के लिए कुछ सोने चांदी की चीज़ हो तो शुद्ध करके ना कर देते हैं, फिर दे देना। तो मैंने अपनी अंगूठी निकाल के उसके पास 1100 के ऊपर रख दी और देखूं 2 मिनट में उसने एक आइटम और मांगा अगरबत्ती का। इतने में तो वो मैं दूँ अगरबत्ती यहाँ से निकाल के, इतने में तो शुरू होकर यहाँ से शुरू भाग के यहाँ से लेकर शिकायत हम थाने में करी ना। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां आज ग्राम पंचायत रहेड़िया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गडरिया समाज के लोगों ने मनाई जयंती। इंदौर की महारानी राजमाता अहिल्या देवी होलकर की 299वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। अहिल्या देवी का जन्म महाराष्ट्र के चौंडी गांव वर्तमान में अहमदनगर जिले में मानकोजी शिंदे और सुशीला शिंदे के घर एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था, जहाँ उनके पिता मनकोजी शिंदे जो एक सम्मानित धनगर परिवार के वंशज थे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर बलिया के बैरिया से, जहां हल्दी थाना क्षेत्र के पचरुखिया काली मंदिर के सामने गंगा घाट पर स्नान करते वक्त गहरे पानी में चले जाने के कारण 5 बच्चे लापता हो गए, जिसमें स्थानीय मछुआरों की मदद से 2 युवकों का शव गंगा नदी के पानी से बाहर निकाला गया। शव को देखते ही परिजन दहाड़ मार कर रोने लगे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं गंगा घाट पर 5 बच्चों के कपड़े, एक मोबाइल फोन और साइकिल को पुलिस ने बरामद किया है। क्या नाम है? पवन। पवन, क्या हुआ था बताओ बेटा? पहले लोधार आया था। हाँ, तो ऊपर नीचे हो रहा था। कौन हो रहा था? एक आदमी। अच्छा, वो लड़का। हाँ, वो एक गए ना बचाने, तो दोनों डूब गए। दोनों लोग गए, कहाँ गए थे बचाने के लिए? 3 अच्छा, तो डूब गया। अच्छा, तो फिर हम लोग आ गए, तो 3 लोग चढ़ी पे चढ़ाए थे ऊपर। अच्छा, 3 लोग बाहर निकल गए। अच्छा, पे आपका क्या नाम है? क्या आप क्या देखे? वही दोनों डूब रहे थे। तो आप दोनों आप भी बचाने गए थे? हाँ, दोनों लोग हाँ, मिल के ये, हाँ, और रहा था। अच्छा अच्छा, 3 आदमी बचाने गए थे। हाँ, और क्या हुआ? जब वाली नीचे ऊपर नीचे बैठाना है, जब गए ना तो नीचे बैठ गया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने दिहौली पुलिस थाने पर साल 2021 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 65,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। बता दें कि विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजन संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली पुलिस थाने पर एक परिवादी ने 18 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी,
जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 17 मार्च 2021 की रात को अपने दादा दादी के पास सो रही थी। नाबालिग पुत्री 17 मार्च की रात को शौच के लिए गई, वापस नहीं लौटी। पीड़ित को पुत्री की तलाश के दौरान जानकारी हुई कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिहौली गांव का रहने वाला गब्बर बैला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। इसके बाद पीड़ित पिता ने नामजद आरोपी गब्बर के खिलाफ दिहौली पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से डिटेन कर मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं। अनुसंधान के दौरान मामला दुष्कर्म पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी गब्बर को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया। मुर्जिम गब्बर जमानत पर चल रहा है। मामले में लोक अभियोजन मिश्रा ने कोर्ट में 21 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजन की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुलजिम 20 वर्षीय गब्बर पुत्र रामदास निवासी दिहौली को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 65,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आइए जानते हैं इस विषय में विशिष्ट लोक अभियोजन पोक्सो कोर्ट संतोष मिश्रा का क्या कुछ कहना है। पोक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा थाना दिहौली के बहुचर्चित मामला मुकदमा संख्या 50/21 में आरोपी गब्बर पुत्र रामदास को सुनाई 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 65,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। मामला इस प्रकार से है कि एक परवादी ने थाना दिहौली में मुकदमा दर्ज कराया जिसमें उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को दिनांक 17/3/2021 को गब्बर भगाकर ले गया, जिसको 4 दिन बाद पुलिस थाना दिहौली द्वारा गांव रौनक का जिला आगरा से दस्तयाब करके लाई, जिसमें पीड़िता के बयानों के बाद और उसका रेप संबंधी मेडिकल होने के पश्चात गब्बर को धारा 376-34 पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया, जिसमें आज दिनांक 31/5/2024 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 65,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। कौशाम्बी की रहने वाली महज 12 साल की बेटी शानवी सोनकर ने यमुना नदी को मात्र 17 मिनट में तैर कर पार कर लिया। शानवी गर्ल्स हाई स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा है। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने पर शानवी ने तैराकी सीखने के लिए नवजीवन स्विमिंग क्लब में प्रवेश लिया, जहां महज एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही बच्चे ने यमुना नदी को तैर कर पार कर लिया। शानवी ने मीरापुर के बरगद घाट से तैरना शुरू किया और नैनी की ओर सिंधु सागर घाट ककरा घाट तक तैर कर समाप्त किया। साथ लगे नाव से पिता संजय सोनकर एवं मां सुनीता सोनकर के साथ पंकज सिंह, निवेदिता सिंह, आलोक वर्मा, संदीप गुप्ता, परमेंद्र विश्वकर्मा चल रहे थे। बीच बीच में दर्शकों ने ताली बजाकर शानवी का उत्साहवर्धन किया। यमुना नदी की लंबाई लगभग 600 मीटर व गहराई लगभग 25 फीट है। प्रशिक्षक त्रिभुवन निषाद ने बताया कि वो हर साल कमला निषाद एवं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर मानस निषाद के सहयोग से सैकड़ों बच्चों को नवजीवन स्विमिंग क्लब के माध्यम से मीरापुर के बरगद घाट पर तैराकी का प्रशिक्षण देते हैं। इस वर्ष से क्लब के माध्यम से खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को क्याकिंग का प्रशिक्षण देना भी शुरू किया है। बता दें जिससे आने वाले समय में देश के लिए प्रयागराज से भी विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार हो सकें। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर कस्बा मड़ावरा में पाल समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। बता दें महिपाल मेमोरियल इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर राजवंश की महारानी थी। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराया, मार्ग बनवाए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया। उनके द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में बनवाया गया प्रसिद्ध राजवाड़ा आज इंदौर की हृदय स्थली बन गया है। कस्बा व क्षेत्रीय पाल समाज द्वारा कस्बा मड़ावरा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ सरस्वती मंदिर बालिका इंटर कॉलेज से किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पाल समाज के बंधु शामिल हुए। मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।